नरवाल में जो सुबह दो धमाके हुए थे उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और जिस स्पॉट पे ये धमाके हुए हम वहाँ पर ही मौजूद हैं। दो धमाकों में सुबह जो जानकारी थी 5 से 6 लोग जख्मी थे, और अब जो जानकारी है उसमें 7 लोग जख्मी हैं, उनके नाम भी हैं। और मौके पर हम आपको बताएं तो FSL टीम भी मौजूद है, जो ब्लास्ट हुआ है उसके सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ और जानकारियां भी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं फोन लाइन पर, गोविंद चौहान जी। गोविंद जी जी, दीपक जी, अच्छा आपके पास क्या जानकारी है, जो ब्लास्ट हुआ नरवाल में उसकी कोई जानकारी आप तक पहुंची? देखिए, आज सुबह क्या हुआ है, 5 मिनटों के गैप के दौरान 2 धमाके हुए हैं जी। एक हुआ है यार्ड नंबर 7 में और एक हुआ है यार्ड नंबर 9 में। यार्ड नंबर 9 में, हाँ, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। उन 7ों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है जी। FSL की टीम और कई और एजेंसियां आसपास स्पॉट पे पहुंच चुकी हैं जी। अब ये जांच की जा रही है कि धमाका किस चीज का है जी। वो अभी तक की शुरुआती जांच में आ रही है, ये कबाड़ की गाड़ियों में हुआ है। तो अभी जांच का ये विषय है कि धमाका का नेचर क्या है, कौन सा धमाका है ये। इसमें 7 लोग घायल हुए हैं, अगर आप कहें तो मैं उनके नाम आपको पूरे बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, नाम बताएं आप। जिनमें से पहला है सोहेल कुमार 35 साल का, थाना मोहम्मद इकबाल आरोप मल्ला। दूसरा है सुशील कुमार 26 साल का, थाना रमेश कुमार प्रेम नगर डोडा का। विश्व प्रताप 25 साल का, थाना बाबू सिंह आरोप कांचा। विनोद कुमार 52 वर्षीय, थाना काकूराम आरोप। पांचवा है अरुण कुमार 25 वर्षीय, कासिम नगर बावे का। छठा है अमित कुमार 40 साल का, थाना गुलशन कुमार आरोप बहुकोट। अजेश कुमार 35 वर्षीय, थाना दर्शन लाल आरोप बावेज जम्मू। ये 7 लोग इस समय अस्पताल में एडमिट करवाए गए हैं। ये के क्या काम करते थे, कोई इसकी भी जानकारी है? इनमें से 2-3 तो शायद काम करते हैं आसपास कहीं यार्डों में, और 2-3 होते हैं जो रागी से जो गुजर रहे होंगे जी। इसमें क्या हुआ है कि मैं आपको एक जानकारी थोड़ी सी और बता दूं। एक्चुअली आज नरवाल में तो 2 ब्लास्ट हुए हैं जी, लेकिन सबसे पहले ये खबर आई थी कि बजालता में एक धमाका हुआ है। मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, बजालता में भी धमाका हुआ है। हाँ, मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि बजालता में धमाका हुआ है फ्यूल टैंक का। इसमें एक पुलिस वाला जो नाके पर तनाव था उसकी टांग को लगी। टांग को, अच्छा। उसमें क्या हुआ है, एक डंपर वहाँ वहां से गुजर रहा था, एक वाहन गुजर रहा था। आप देखिए आजकल क्या होता है, फ्यूल टैंक के साथ एक तो सबसे पहले एक नया होता है, उसको कहते हैं यूरिया जी। उसमें गैस होती है, वो जब धमाका हुआ तो वो धमाका आतंकी मामला नहीं है, वो वाहन में धमाका हुआ फ्यूल टैंक में। अच्छा, उसमें उसकी चपेट में एक पुलिसकर्मी नाके पर जो तनाव था वाहनों की जांच कर रहा था, वो चपेट में आ गया, उसके टांग को लगी था। तो वो भी घायल हुआ है, इसको हम धमाका नहीं कहेंगे, मतलब फ्यूल टैंक ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, फ्यूल टैंक ब्लास्ट हुआ है। धमाका तो है लेकिन उस नेचर का नहीं है जिस नेचर का नरवाल में हुआ, मतलब उसमें भी एक पुलिस का अधिकारी जख्मी है। पुलिस का कांस्टेबल जो वो अच्छा, फ्यूल टैंक बताया, फ्यूल टैंक गाड़ी का फ्यूल टैंक। अच्छा, सबसे पहले बजालता में हुआ, उसके बाद 2 यहाँ पर हुए। हाँ, पर मैं जैसा आपको कह रहा हूँ कि ये दोनों डिफरेंट नेचर के ब्लास्ट है। जो बजालता वाला है वो फ्यूल टैंक का ब्लास्ट है, ये जो नरवाल वाले है संदिग्ध धमाके है। ये जांच की जा रही है कि ये धमाके किस नेचर के है। देखिए, एक्सप्लोजिव है, ग्रेनेड है, गैस ब्लास्ट है, ये भी जांच का विषय है। इसमें देखिए SOG की टीम मौके पे आ गई है, FSL की टीम आ गई है, बाकी एजेंसियों की टीम आ गई है, ADG साहब की मौके पे आ गए, SSP जम्मू आ गए, DIG साहब जम्मू आ गए मौके पे। अब ये सारी टीमें जांच कर रही है कि धमाके जो नरवाल में हुए हैं किस चक्कर से हुए हैं, नेचर के हैं जी। अब आप देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कुछ दिनों में है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हालांकि यात्रा का रूट और नरवाल में बड़ा फर्क है जी, 3 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन इस समय हमारे प्रदेश में मूवमेंट है, काफी मूवमेंट है BIPs की।
नहीं, नरवाल उसके अलावा। नरवाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि नरवाल में यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, घाटी से भी आते हैं, और यहाँ पर समस्या ये होती है कि लोग गाड़ियाँ लगाकर चले जाते हैं, उनको समय दिया जाता है, शायद 3-4 दिन के बाद आपका कहाँ गाड़ी का काम शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गाड़ियाँ काफी लगी रहती हैं। तो ऐसे में लगता है कोई आतंकी भी बीच में आए हो, अपनी गाड़ी लगा के चले गए हो यहाँ पर। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, आप देखिए, नरवाल में पिछले साल वर्ष 2022 में पुलिस ने नरवाल से कई आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया है। नरवाल इलाके में ऑपरेशन हुए हैं जी। इसके अलावा नशे के बड़े सौदागरों को नरवाल में पकड़ा गया। उसका रीजन क्या होता है कि नरवाल एक ट्रांसपोर्ट नगर है, पूरे प्रदेश के वाहन यहाँ पे आते हैं, मंडी यहाँ पे है, लोडिंग अनलोडिंग यहाँ होती है, गाड़ियों के काम काज यहाँ पे होते हैं, तो पूरा एक ट्रांसपोर्ट नगर ही कहते हैं ना इसको, ट्रांसपोर्ट नगर हो गया गाड़ियों का नगर जी। तो यहाँ पर कश्मीर से भी गाड़ियां आती हैं, दिल्ली से भी आती हैं। तो गाड़ियां किस दिशा में, देखो एक एक वाहन को चेक पुलिस नहीं कर सकती, लेकिन गाड़ी इतनी बड़ी गिनती में यहाँ पे आती है तो उसमें माना जा रहा है कि शायद अगर ये धमाका आतंकी जुड़ा हुआ है तो कोई संदिग्ध कश्मीर से आया, उसने धमाके करके ये काम किया है जी। जी, इसके अलावा कोई और जानकारी? इसके अलावा पुलिस ने अलग अलग टीमों को, इस समय आप देखिए जैसे ही ये धमाका हुआ है, जजर कोटली नाके तक जी बात हुई थी सीनियर अफसरों से, जजर कोटली नाके तक वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। कश्मीर जाने वाले रूट पे हर वाहन की जांच की जा रही है कि संदिग्ध अगर उनको लग रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो धमाका हुआ उसके बाद जो भी करने वाला होगा वो होगा तो यही कहीं, इसलिए चारों तरफ पुलिस ने जाल बिछा दिया। आप देखिए नरवाल में धमाका हुआ है लेकिन सर्च चल रही है बठिंडी में, सर्च आपकी चल रही है नगरोटा में, सर्च चल रही है आपके शहर में, नाके साइड जम्मू शहर के हो गए, पर चारों तरफ से पुलिस ने जाल बिछा दिया ताकि जिसने ये धमाका दिया उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। फिलहाल अभी ये जांच चल रही है, थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा कि धमाके तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि धमाके नहीं हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि इन जैसे बजालता वाला ब्लास्ट और इस ब्लास्ट जो नरवाल में ब्लास्ट हुए, इनका नेचर अलग अलग है, क्या लगता है जो नरवाल में यहाँ ब्लास्ट हुए आतंकियों द्वारा हो सकते हैं प्लांट? देखिए, मैं जितना सोच रहा हूँ, जैसे गाड़ियों की मैं दशा देख रहा हूँ पिक्चर्स में, तो मुझे लग रहा है ये संदिग्ध धमाके, मतलब कि क्या होता है कि हम लोग चला देते हैं या कह देते हैं कि ब्लास्ट हो गया, लेकिन ब्लास्ट को भी ब्लास्ट भी होता है, ग्रेनेड ब्लास्ट भी होता है और गैस ब्लास्ट भी होता है ना, जैसा आप देख लीजिए मजा समय हुआ टायर फटा, टायर के बाद वो गैस टैंक फटा, फ्यूल टैंक फटा जी, तो वो धमाका तो जोर से ही होगा। देखिए, अब फ्यूल टैंक फट रहा है तो धमाका जोर से होगा, लेकिन नेचर जी किस, क्योंकि वो होता है SSL की टीम मौके पर सबूतों को चुकाएगी, शरे मिलेंगे, स्प्लिंटर मिलेंगे, या कोई बारूद मिलेगा या कोई पाउडर मिलेगा, उसी से गैस एग्जैक्ट लग सकता है कि धमाका किस चीज का था। अभी फिलहाल इतना कहना ही मेरे ख्याल में मुनासिब होगा कि धमाके हुए हैं तो जी, जैसे ही अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को फिर बताएंगे कि धमाका किस चीज से होगा जी। शुक्रिया। शुक्रिया। तो नरवाल में जो ब्लास्ट हुए हैं, उस ब्लास्ट के सैंपल FSL की टीम मौके पर मौजूद है। तो ब्लास्ट के नेचर से लगता है कि ब्लास्ट है नरवाल वाला, जो सिद्रा बजालता में हुआ है वो एक अलग नेचर का ब्लास्ट है, और जहाँ जो ब्लास्ट हुआ वो अलग नेचर के हैं। इसके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, अलग अलग टीमें जो हैं वो जांच